Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we shall study about the characteristics of PN junction. For this purpose, we have to first of all bias PN junction. What is meant by biasing? The application of potential difference across PN junction is called biasing. Or we say, when an external potential is applied across PN junction, we say PN junction is biased. Or the application of external potential across PN junction is called biasing. And there are two types of biasing, forward biasing and reverse biasing. What is forward biasing? फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन क्या है? व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन इन सच ए वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टाइप देन पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड. ओके, पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप के साथ जब नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे, वी से इट इज फॉरवर्ड बायस्ड. सो द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन एंड होल्स इन द पी रीजन. क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट स्टॉप हुई हुई थी, इस वजह से हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट हो. सो हमने एक्सटर्नली तौर पर बैटरी अप्लाई की, बैटरी अप्लाई करके एक्चुअली हमें एनर्जी दी है और एनर्जी दे के हम चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को पीएन जो बैरियर है उसमें से हम क्रॉस करवाना चाहते हैं. व्हेन द सफिशिएंट एनर्जी इज सप्लाइड टू द चार्जेस टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर द करंट मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पीयर बिगेन्स टू फ्लो अक्रॉस द पीएन जंक्शन. सो द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड. ये देखें, पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया. अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमने इधर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, इधर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया. इस तरह तो हमने एक्सटर्नल तौर पर पोटेंशियल अप्लाई किया लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया, जबकि जो इनर साइड पे जो पोटेंशियल्स को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं वो था राइट से लेफ्ट. तो हम जानते हैं वो इस तरफ से इस तरफ जो 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट जमीन के लिए इस तरफ अप्लाई किया हुआ था इंटरनली तौर पर. हमने एक्सटर्नली तौर पर अप्लाई किया लेफ्ट से राइट. इनिशियली जो पोटेंशियल है, ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, लेट्स सपोज ये इस तरफ है और ये है 0.1 वोल्ट हमने जो अप्लाई किया हुआ है, 0.1 वोल्ट. जबकि जो इंटरनली तौर पे पोटेंशियल है जो पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, अगर वो जर्मेनियम था तो वो 0.3 वोल्ट होगा. अच्छा, अब ये 0.3 वोल्ट और 1.1 वोल्ट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे. इसका जो नेट बचेगा इनका वो आ जाएगा इस तरफ 0.2 वोल्ट. सो जो बैरियर होगा, जो पोटेंशियल बैरियर था जो पहले 0.3 वोल्ट था, अब वो 0.2 वोल्ट हो जाएगा. इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल मजीद बढ़ाते हैं, ये देखिए हमने बैटरी अप्लाई की हुई है, यहाँ पे जो वेरिएबल है ये एरो का निशान है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये बैटरी का पोटेंशियल जो हम वेरी कर सकते हैं. तो अगर हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.2 अप्लाई करते हैं और अंदर 0.3 वोल्ट्स हैं, तो क्या कितना डिफरेंस आ जाएगा? 0.1 वोल्ट का. इस तरफ 0.1 वोल्ट पर हमारे पास आ जाएगा. इसका मतलब बैरियर और डिक्रीज हो जाएगा, बैरियर और कम हो जाएगा. यहाँ तक कि हम अप्लाई करते हैं 0.3 वोल्ट एक्सटर्नली तौर पर और इंटरनली 0.3, तो 0.3 और 0.3 अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हमने क्योंकि एक्सटर्नली तौर पे 0.3 अप्लाई कर दिया है और इंटरनल तौर पे अगर मैं जर्मेनियम लेता हूँ तो 0.3 वोल्ट इंटरनली मौजूद है, जैसे क्या होगा नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, इसका मतलब बैरियर खत्म हो गया.
जैसे ही बैरियर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिर भागे जाएंगे, जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अब रुकावट खत्म हो गई है, बैरियर खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस तरह फ्लो करना शुरू हो जाएंगे और इस तरह करंट जो होते हैं एन टू पी और एक्सटर्नली तौर पर ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन लेते हैं और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को हम हायर टू लोअर होती है, वो इस तरह करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। वो करंट मिली एम्पीयर में होता है, ये मिली एम्पीयर में करंट। ये मेजर करने के लिए मेरे पास एमीटर लगा हुआ है। ये जो हम पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं, ये वो वाला पोटेंशियल है जो हम इस बैटरी का पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, ये वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये पी एम जंक्शन है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे हम जो है वो इस तरह हम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल जैसे बढ़ता जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे मोर एंड मोर एनर्जी गेन करेंगे एंड दे विल मूव विद मच फास्टर रेट एंड करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। वी कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे हमने ये वोल्टेज लिए और वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया जो मिली एम्पीयर में फ्लो कर रहा है। तो अनिशियली जो है वो आप देख सकते हैं जो करंट है वो जीरो है, ये सिलिकॉन के लिए, ये ग्राफ सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किया हुआ। तो अब देखते हैं जीरो, ये जीरो 0.1 वोल्ट है, ये 0.2 0.3 ये करंट जीरो जा रहा है, यहाँ तक कि ये 0.6 से करंट बढ़ना शुरू कर, लेकिन 0.7 के लिए करंट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो इस वोल्टेज जो 0.7 हम जानते हैं बैरियर वोल्टेज होता है फॉर सिलिकॉन, करंट जो है सडनली राइज करता है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं जिस पे करंट सडनली राइज करता है, इसका नी वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब करंट सडनली राइज करता है एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर, हम कहते हैं वोल्टेज नी वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ओके, तो उसके बाद देखिए करंट जो है वो यूं ऐसे ऊपर तरफ जो है वो बढ़ रहा है, देख सकते हैं करंट यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर रहा है। अब आप अगर यहाँ इस ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको दो पॉइंट मार्क कर लें। सपोज हमने एक पॉइंट कर्व के ऊपर यहाँ पे लिया हुआ और दूसरा पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप डाउनवर्ड लेके आए तो इतना ये जो चीज़ है ये वोल्टेज है और इतना ये करंट है। अब इसको आप अभी मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। इस ट्राइंगल का अगर आप लें स्लोप, स्लोप इसका आएगा कंडक्टेंस, क्योंकि ये है आई परपेंडिकुलर करंट है और बेस पे जो है वोल्टेज है, आई ओवर बी जो होता है ये हमारे पास कंडक्टेंस होती है, तो ये कंडक्टेंस आ जाएगी। और अगर इसका स्लोप का भी रेसिप्रोकल है तो वो हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस द रेसिप्रोकल आपका स्लोप ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लोप ऑफ द आई वी कर्व ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ। वन ओवर स्लोप को ये वैल्यू पुट करेंगे तो आर एफ इक्वल डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ आ जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा आई एफ जो करंट है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लो करता है, तो जो रेजिस्टेंस होती है फ्यू ओम्स होती है, वेरी फ्यू रेजिस्टेंस जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होती है, डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है। अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन के ऊपर, फॉरवर्ड बायस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है याद रखिएगा। इन द फॉरवर्ड बायस रीजन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिलिकॉन डायोड शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाती है ये कर्व जो है, तब जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं, व्हेन टी इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाता है तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाती है, टी इज इंक्रीज, टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाता है। कितना याद रखिएगा, विद एवरी वन डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर द वोल्टेज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय 2.4
5 millivolt, 2.5 millivolt per degree C, per degree centigrade rise in temperature. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्ज करते हैं टेम्परेचर जो है वो 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और 20 से 100 हुआ है, कितना बड़ा है? 80, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बड़ा है. इसका मतलब हमने कहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर 2.5 वोल्ट मिली वोल्ट की शिफ्ट आती है, तो 20 से जब हुआ 100, तो इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 80 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 200 मिली वोल्ट. 200 मिली वोल्ट जो है वो ड्रॉप आएगा. 200 मिली वोल्ट मीन 0.2 वोल्ट. सो एज टेम्परेचर एज इंक्रीज फ्रॉम रूम टेम्परेचर 20 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिजल्ट्स इन अ ड्रॉप ऑफ 80 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मिली वोल्ट इक्वल 200 मिली वोल्ट और 0.2 वोल्ट which is significant on graph as shown in figure. आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये shift हो जाएगी towards left curve. कैसे? जब हम temperature जो है वो increase करते हैं, जब हम temperature increase करते हैं तो एक degree centigrade temperature बढ़ाने से 2.5 millivolt जो forward voltage है उसमें डिक्रीज आती है. फॉरवर्ड बायस कंडीशन याद रखने वाली बात है. नो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन. रिवर्स बायस में हम होल्ड करेंगे, हम पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्ट कर देंगे. व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद एन टाइप व्हाइल नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द P type, B से PN जंक्शन में रिवर्स बायस. अब इसमें क्या होगा? ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोस, क्योंकि मिनोरिटी चार्ज कैरियर भी कुछ मौजूद होते हैं हमने कहा था, तो उनकी वजह से करंट जो है वो सडनली राइज करेगा. फिर वो करंट जो होगा वो फिर वो कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि वो जो करंट है इंक्रीज नहीं करता. इसलिए इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट भी कहते हैं. सैचुरेशन करंट आई नॉट रीचेस क्विकली विद इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, क्योंकि अब मजीद होकर जो रिवर्स चार्जेस होते हैं, जो मिनोरिटी चार्जेस होते हैं, सॉरी, जो पी टाइप या एन टाइप के अंदर, पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं मिनोरिटी में, और इधर कुछ होल्स भी होते हैं एन टाइप में, तो करंट उस वजह से फ्लो करता है. अब वो जो चार्ज कैरियर जिनको मिनोरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, रिवर्स करंट उस वजह से फ्लो करता है. ये आप देख सकते हैं करंट सडनली यहाँ से ऐसे राइज करता है. ये जो करंट राइज करता है, इसके राइज करने की वजह ही ये है कि ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं रिवर्स मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो उनकी वजह से करंट सडनली राइज करता है. उसके बाद वो जो चार्ज कैरियर वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, इसलिए करंट जो कॉन्स्टेंट रहता है, हम वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं लेकिन करंट वही रहता है. इसलिए इस करंट को हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट. उसके बाद करंट, क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं के ई इज इक्वल टू वी ई होता है, के ई इज इक्वल टू वी इंटू ई. तो जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते चार्ज तो कॉन्स्टेंट रहता है, वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं तो कनेक्ट एनर्जी बढ़ती रहती है, कनेक्ट एनर्जी बढ़ती रहती है. तो जब वोल्टेज इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, कनेक्ट एनर्जी जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करती है, जिससे करंट सडनली राइज करता है. करंट सडनली राइज कर जाता है, चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाते हैं, उस वोल्टेज को जिस पर करंट सडनली राइज करता है इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं. एक बात याद रखनी है कि रिवर्स बायस रीजन में द रिवर्स करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर.
10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से करंट सिलिकॉन का जो भी होगा वो डबल हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो करंट डबल हो जाएगा। मसलन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था करंट 10 नैनो नैनो एम्पियर, सपोज 10 नैनो एम्पियर था किसके, 10 नैनो एम्पियर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जब आप 30 करोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, और जब आप 40 करोगे तो 20 से 40 हो जाएगा, ठीक है, फिर 40 करो तो 80 हो जाएगा, इस तरह 50 करोगे तो 80 से 160, ठीक है, 160 से फिर यहाँ पे 320, फिर 640, फिर 1256, और फिर 2560 हो जाएगा। मतलब जब आप 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो इंक्रीज आती है करंट में वो आ जाती है 2.56 माइक्रो एम्पियर। करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, 2.56 माइक्रो एम्पियर करंट हो जाता है। कब, जब टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें इंक्रीज आती है। तो हमने कहा था कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो करंट है ये डबल हो जाता है रिवर्स बायस कंडीशन में, ये बात याद रखें। ऑफ पी एन जंक्शन ब्रेक्स डाउन एज द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करंट एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आल्सो इंक्रीज, जैसे बता चुका हूँ, टिल इज सफिशियंट टू ब्रेक कूलेंट बॉन्ड्स, एज कूलेंट बॉन्ड ब्रेक मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस, सो मिनोरिटी चार्ज कैरियर बिगिंस टू इंक्रीज रैपिड, दिस इंक्रीज रिवर्स करंट, दिस इंक्रीज द रिवर्स करंट, द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक्स डाउन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। बता चुका हूँ, आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज द रिवर्स करंट इंक्रीजेज शार्पली विच मे डैमेज डायोड। ओके, मोर पी एन जंक्शन is also known as semiconductor diode, semiconductor diode भी कहते हैं, इसके सिंबल होता है ये, इस तरह की ट्राइंगल होती है, ये ट्राइंगल होती है, ये पी टाइप होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, इसको एन टाइप कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा डायोड का सिंबल पी एन, ये जो इतनी रीजन है जिसको मैं रेड शेड किया, दिस वन, दिस इज कॉल्ड पी टाइप, ये पी टाइप होता है, एक ट्राइंगल सी होती है पी टाइप, जब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्ट्रेट लाइन इसका एन टाइप, एन टाइप या इसको कैथोड भी कहते हैं, पी टाइप इसको एनोड भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पी एन जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, डाई मीन टू और ओड मीन टर्मिनल, टू टर्मिनल डिवाइस होती है। द फॉलोइंग टू मैकेनिज्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन अंडर द इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज, ये वजह बनती है, एक ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवलॉन ब्रेकडाउन होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन में और एवलॉन ब्रेकडाउन में, यह अच्छे तरीके से याद करिएगा। दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन अकर्स इन ज़ीनर ब्रेकडाउन, कब होता है, दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन अकर्स इन जंक्शन एंड द डायोड इज हैवली डोप्ड, ओके, एंड डायोड इज हैवली डोप्ड, वाइल एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन डायोड इज लाइटली डोप्ड। डिप्लेशन लेयर्स बिकम्स नैरो और उसमें डिप्लेशन लेयर बिकम्स वाइड, दैट इज व्हाई द ब्रेकडाउन वोल्टेज प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी टर्न इस पर 8 वोल्ट्स पर वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड्स बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इवन अ स्मॉल फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज इज कैपेबल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैरियर, चार्ज कैरियर्स।
That is why the junction has very low resistance in breakdown region. This is different from the avalanche breakdown. Avalanche breakdown में हमने क्या क्या कहा कि ये occur कब करता है when diode is lightly doped. एक बार दूसरी depletion region becomes very wide. That is why the electric field is not very strong enough to produce zener breakdown. Zener breakdown पैदा नहीं होता. Instead, the minority charge carriers acted by the collided with the semiconductor atoms in the depletion region. Upon collision with the covalent electrons, valence electrons, covalent bonds are broken and an electron hole pair are produced. This newly created charge carriers are also accelerated by electric field, resulting in more collisions and hence further production of charge carriers. This leads to an avalanche or flood. Avalanche of the flood of charge carriers and consequently to a very low resistance. When breakdown voltage is less than 4 volt, less than 4 volt over, only zener effects are seen. Okay. When breakdown voltage is greater than 6 volt, only avalanche effects occur. And when the voltage is between 6 volt and 4 volt and 6 volt, both effects are present, mean a zener effect bhi hota hai or avalanche effect bhi hota hai between 6 and 4 and 6 volts. Allah Hafiz.